विवियन डिसेना के मास्टर प्लान ने एडिन रोज को भी किया विवियन के ग्रुप में शामिल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर विवियन डिसेना बैठकर एडिन रोज से बात करते हुए नजर आए, जहाँ पर उन्होंने एडिन रोज के सामने बहुत ही लॉजिकल सवाल रखा कि आपने तो गेम देखा ही होगा अब तक का, और ये आपको पता ही है कि घर में ये पूरे 11 लोग हैं, और अगर आप भी मेरे साथ आ जाओगे ना तो हम 7 लोग हो जाएंगे, टोटल 7 लोगों का ग्रुप हो जाएगा, और हम 7 लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, वो हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और लास्ट तक गेम के बने रहेंगे। वहीं पर विवियन डिसेना का कहना है, मैं आपको फोर्स बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, आप सिंपल सा लॉजिकल सोच के देख लो, अगर आप उनकी तरफ रहोगी तो आपको कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलने वाला है, और ये हमारा तो ऐसे भी कुछ बिगाड़ नहीं पाते। जैसा कि आपने अब तक का गेम देखा ही होगा कि यहाँ पर वो लोग टोटल 11 लोग हैं और हम थे टोटल 4 लोग, इन 11 लोगों ने भी मिलकर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, पर अब तो मेरा ग्रुप और भी बड़ा हो गया है, अब हम टोटल 7 लोग हो गए हैं, तो जब 11 मिलकर 4 का नहीं बिगाड़ पाए तो 11 मिलकर 7 लोगों का क्या ही बिगाड़ लेंगे। कुछ ये लॉजिक रखते हुए नजर आए विवियन डिसेना एडिन रोज के सामने, और कहीं ना कहीं उनके बातों से इन्फ्लुएंस होती नजर आई एडिन रोज। जी हाँ दोस्तों, एडिन रोज कहीं ना कहीं विवियन डिसेना के साथ मिलकर उनके ग्रुप में शामिल होने को तैयार है पूरी तरीके से, और विवियन डिसेना अपने मास्टर प्लान से अपने ग्रुप को, अपनी मेजोरिटी को दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वाइल्ड कार्ड की एंट्री से विवियन डिसेना को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि वाइल्ड कार्ड के आने से उन्होंने अपने ग्रुप को और भी ज़्यादा बड़ा कर लिया है। फिलहाल दोस्तों, आप क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताइए।